आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंडी समिति में शिक्षक और स्नातक सीट की मतगणना शुरू की गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी हालातों पर नजर रखे हुए थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक खंड की मतगणना आगरा मंडी समिति में शुरू की गई। आगरा शिक्षक और स्नातक सीट के लिए 12 जिलों में मतदान हुआ था। 12 जिलों की मतगणना आगरा मंडी समिति में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू की गई। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटी से बाहर निकलना शुरू हो गया है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। SSP बबलू कुमार, SP सिटी सहित तमाम आला अधिकारी लगातार हालातों पर नजर रखे हुए थे। मंडी समिति का लगातार आला अधिकारी भ्रमण कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा भी लिया जा रहा था। मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके पूरे इंतजाम मंडी समिति पर किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस PAC के जवान तैनात थे। SSP का कहना है कि हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, आज यहाँ MLC के जो इलेक्शन वोटिंग हुए थे 1 तारीख को, आज मतगणना यहाँ है और मंडी समिति पे काउंटिंग की पूरी व्यवस्था की गई थी। और हमारी पुलिस व्यवस्था जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम को तो हमने उसी दिन से की। काउंटिंग स्थल पे भी आज सुबह 6 बजे से ही हमारी सारी व्यवस्थाएँ लग रही हैं और हमने जो है कई लेयर्स में पुलिस व्यवस्था की है। जितने भी लोग हैं वो गेट से एंट्रेंस करने के बाद अपनी गाड़ियों की पार्किंग अलग कर रहे हैं और वहीं चेक करते हुए कि वो काउंटिंग एजेंट है या सरकारी कर्मचारी है, उनको दो अलग पार्ट में बांटते हुए दोनों को अलग अलग तरीके से अलग रास्तों से जो बुलाया गया चेकिंग। देखिए, चूँकि अभी कोरोना के हमारे प्रोटोकॉल्स भी चल रहे हैं और उसको भी हम लोगों ने काफ़ी फॉलो किया है। जो डिस्टेंसिंग है, जो दूरियाँ हैं, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित किया है कि दूरी बनी रहे और मास्क आदि के लिए जो है सभी को सुनिश्चित किया जा रहा है। चेकिंग के बाद ही मंडी समिति में हर व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा था। बिना चेकिंग के कोई भी व्यक्ति मंडी समिति में प्रवेश नहीं कर सका। मास्क भी अनिवार्य किया गया था, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा था। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीट के लिए मतगणना आगरा की मंडी समिति में शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू की गई है और धीरे धीरे इसका परिणाम आना शुरू होगा। काफ़ी लंबा समय लग सकता है लेकिन इंतजाम सुरक्षा के पूरे किए गए हैं। आला अधिकारी हर स्थिति पर पैनी नज़र रखे हुए हैं जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। अपने साथी अगले दुबे के साथ मंडी समिति से राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।